कि जिस टाइम वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक बहंगी कायम बिठा करके और सब तीर्थ स्थान नहाने के लिए जाता है अयोध्या नगरी के पास एक सरयू नदी लगती है। वहां जाने के बाद उसके माता पिता कहने लगे, रे बेटा श्रवण, अरे हमने प्यास लागी, पानी पीना है बेटा। एक वृक्ष की छाया में बिठा के अपने माता पिता ने वो जल की तुम्बी का उठा करके सरयू नदी की तरफ जाता है। जैसे ही वो जल की तुम्बी का उन्होंने पानी में डुबोई तो वहां से आवाज आती है, उधर से राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। उन्होंने सोचा शायद ही कोई जानवर पानी पी रहा है, क्यों ना शिकार कर लिया जाए। सजनों, शपथ भेद करके वहां से राजा दशरथ ने बाण छोड़ा, जाकर के श्रवण कुमार के जिगर में लग गया और जाकर के राजा दशरथ ने देखा ये तो एक जानवर नहीं, वह मेरे हाथों एक इंसान की मौत हो गई। और एक बात के द्वारा वो श्रवण कुमार उस राजा दशरथ से क्या वार्तालाप करता है, सुनेगा जरा गौर से, ध्यान से सुनना सुनो, बहुत अच्छी लगनी। के मात पिता से अंधे मेरे जाकर पानी पिए समझ है सेवा करिए यो से सच्चा दाम दो तन मन तन से रब सा करिए भला करे घन श्याम तेरा फिर मात पिता से अंधे मेरे भला करे ओ राम तेरा भला हो राम तेरा Thank you.
दया बड़के ने दया करके दिए पानी प्या मैं कौन पाया मैं पड़के रे ये जितने भी साथी खड़े हुए हैं व्यवस्था बनाए प्लीज यहाँ है आपके लिए बिछा रखा है बैठने के लिए आसन है ये खड़े ना रहे व्यवस्था बनाए प्लीज और तीसरी कली में सजनो न बोला रहे इस जिंदगी में मना कुछ नहीं किया किसी का बुरा नहीं किया मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार किया क्या एक हांडी में दो पेट सजनो सोन कुमार की पत्नी ने किए थे क्या दर्शाया किसी कले में खड़े ले जाएंगे चुपचाप मन खड़े तीनों बड़ी ताप मन तेरे हवाले छोड़ चलिया सो दोनों मात पिता ते सब तेरिया